और उन्हीं को पता चला आपके आपकी बात हुई है उसके साथ है, बेबो के साथ? नहीं, वो मेरी तो बात नहीं उसके साथ हुई, वो ये पता चला कि ऐसे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पता नहीं सच है ये झूठ है ये कुछ पता नहीं है। असल में वो जो व्लॉग बनाती है वो एक अलहदा बात होती है कि व्लॉग में जब बातें कर लेती जा इधर उधर की ऐसे करती ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वाकई गाड़ी चोरी हो गई है। क्योंकि मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा है कि आपका तो वो होया है उसकी इंश्योरेंस हुई है, तो वो कहती थी कि इसने ली थी ये गाड़ी किश्तों में ली थी, तो उसकी 4 साल तक इंश्योरेंस चली। मैंने कहा आपको टेंशन लेने की कौन सी ज़रूरत है, आप तो उसकी इंश्योरेंस हुई होगी। कहती नहीं 4 साल तक थी, तो वो इस साल में वो अभी एंड हो गया था, किस्तें भी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने लेटर लेना था तो ये हादसा हो गया। तो ना तो उसका वो जो है ना उसकी इंश्योरेंस है वो भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो गई। तो मेरे व्यूवर्स काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कोई कहते हैं उसकी पता नहीं उसके हस्बैंड के साथ सोलह ये उसने ऐसे कर लिया, उसके बेटे ने कर लिया है। तो ये तो मेरे का लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं घर में, ऐसे तो उसका हस्बैंड नहीं करेगा कि अगर गाड़ी उसकी चोरी करा देगा या उसका बेटा करेगा, तो ऐसे लगता नहीं है। तो क्योंकि मेरी बात हुई तो वो कहती है कि इस तरह ही हुआ है कि गाड़ी दरवाजे में खड़ी है, तो 2 मिनट में गाड़ी चोरी होगी। जब उन लोगों ने पता किया ना उसका जो लगा हुआ था उसका ट्रेडर लगा हुआ था उसका उसने फोन करके पता किया बैंक वालों से, तो उन लोगों ने बोला है कि 6:00 कुछ मिनटों में ऐसे हुआ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अजवा उधर देखो, ये अजवा मेरे साथ है, ये अभी शॉपिंग करके आई है तो इसलिए ये तंग हो रही है, ये बेबो की बात गाड़ी की बात में कहते हैं अजवा। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि मेरी अजवा आज मेरे साथ बैठी हुई है। ये हाँ हाँ अजवा क्या बात है बेटा, इधर बैठो इधर बैठो इधर इधर अजवा बैठेगा। चलो जरा अजवा बाय बाय कर दो, जरा बाय बाय रिबा को, बाय बाय कर दो रिबा को, रिबा को बाय बाय कर दो, रिबा को बाय बाय करना कर दो। ओई माशाल्लाह माशाल्लाह बाय बाय कर दो उसको, बोलो मैं जा रही हूँ। किधर जा रही हूँ उसको बताओ। हाँ तो व्यूअर्स आप लोगों को बताने लगी हूँ, अजवा आज शॉपिंग करके आई है, आज सारा दिन इसने मेरे साथ गुजारा, आज बहुत ये हैप्पी है माशाल्लाह, ऐसे रोती रहती है। आज इसने बहुत ट्रैवल किया है, सारा दिन इसने मेरे साथ उधर गुजारा है। तो अभी आके इसने मालिश करवाई है, फिर शावर किया है, अभी अजवा सोएगा, सोने का अजवा का टाइम हो गया। तो अभी अजवा की जो शॉपिंग करके आए वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ बेबो की भी बातें करेंगे, उसकी गाड़ी क्या क्या हल हुआ है, कैसे हुआ है, क्या बना है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी गाड़ी में कहाँ क्या, हमजा इधर आओ आपको बुला रही है, बात सुनो आके, आपने आज सुबह की कोई मेरी अजवा को लिफ्ट नहीं कराई, जाना नहीं ऐसे बात करो, वो बात करने ऐसे नहीं है, वो अपनी दादों के साथ बैठी हुई है, दादू के साथ बैठी, दादू के साथ बातें, अपनी शॉपिंग करने गई हुई थी अभी आई है। हाँ जी, अजवा ने आज बहुत शॉपिंग की, अपने कपड़े लिए हैं, उधर जूस पिए हैं, सारा दिन बहुत हैप्पी रही। कहाँ जाना अब, चलो इधर आओ मेरा बेटा भी सोएगा, मेरा बेटा अभी मेरे बेटे ने नींद नहीं करनी, चलो टाटा कर दो हमजा, इधर आओ लेके जाओ अजवा को भी, अजवा साथ जाएगी आपके, हाँ बाहर जाना तो अजवा साथ जाएगी, बाहर जाने की तो अजवा नहीं करेगी, नहीं आज थक गई है ना, आज बहुत थकावट हो गई अजवा को, अजवा नींद नहीं करने लगी, अजवा अपनी बिंगन दिखा रही है, कहा थी बिंगे नहीं मेरी बेबी के, बिंगस कहाँ है मेरी बेबी, दिखाओ उधर, हाँ क्या अच्छे, हम तो कहाँ जा रहे हो, कौन आया बाहर, अच्छा चलो दरवाजा खोलो तो बाहर ताले लगा दो। तो अभी बस आपको दिखाते हैं, अभी जो कपड़े लाए हैं गाड़ी में पड़े हैं अभी निकालेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, साथ आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे बेबो की गाड़ी का, बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही इस मौजू पे, जो व्लॉग बना रही थी वो तो एक अपलोड चलता रहता है कोई, यानी कि ऐसे बस अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे, मैं तो पहले ही कहती थी अल्लाह ताला रहम करे, ऐसी उसको नज़रें आ गई किसी की, पता नहीं उसको कौन सी जालम बंदे की नज़र लग गई है,
उसकी गाड़ी पहले उसकी जो वो लैक की पेन थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, तो ऊपर से उसकी बेचारी का गाड़ी का मसला आ गया, बहुत परेशानी हुई उसकी गाड़ी की। तो अभी फिर भी उससे फ़ोन करके भी पूछते हैं, अभी साथ साथ बात भी करते हैं उसकी गाड़ी का कोई मसला हल हुआ है कि नहीं, क्योंकि आज मैंने 4 बजे फ़ोन उसको किया था, वो भी मैं मार्केट में थी तो मैंने फ़ोन किया, कहते अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई खबर नहीं आई, तो फिर आगे भी देखते हैं, अभी उससे फ़ोन करके पता करते हैं, फिर साथ साथ आप लोगों को बताते भी हैं। अभी मैं गाड़ी में कपड़े निकालूंगी बच्चों के साथ लेके, जो अजवा आज शॉपिंग करके ही अपनी, अजवा बहुत अपनी शॉपिंग करती है, कुछ लोग मुझे कहते हैं आप दिखावा करती, दिखावे वाली बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी अजवा के हर रोज़ शॉपिंग करती हूँ, अजवा की अजवा हर टाइम अपनी शॉपिंग करती है, कभी कुछ लाती कभी कुछ लाती, अजवा जब शॉपिंग करती है तो वो भी खुश होती है और मैं भी खुश होती हूँ कि मेरी अजवा हैप्पी है। हाँ क्या हुआ, नीनी आ गई, नीनी आ गई अजवा, चलो ना जरा अजवा अपने चाचू की शादी पे कैसे करेगा, आजू चाचू की शादी के जरा बताओ, चाचू की शादी पे कैसे करेगा बताओ तो जरा, ऐसे ऐसे करे चाचू की शादी पे कैसे आप गाने गाओगी, कैसे क्लैपिंग करोगी, कैसे जरा क्लैपिंग करके दिखाओ, कैसे चाचू की शादी पे करेगा, करो जरा क्लैपिंग करके करो। ओ मामू आ गया, वो मामू आ गया, ये जो बैग लाई है अपना, जैसे लेके आए तो ऐसे ही फिर पड़ी थी, थकावट बहुत हो गई थी ज्यादा, तो फिर कोई चीज निकाल नहीं सके, तो उधर जिधर शॉप में गए थे आज उधर ऑफ लगा था, तो उधर वो बनाने भी लोग बना रहे थे, तो वो कुछ लोग जो थी ना वो फील कर रहे थे कि क्यों ये दूसरे लोगों का व्लॉग बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ से नहीं बनाया, जो कपड़े लेके आए आप लोगों को दिखाते हैं, साथ जूते भी लाए हैं, जो जो चीज़ें लाए आपको दिखाएंगे। हाँ तो व्यूअर्स आपको दिखाने लगे हैं कि ये आज जो हमने शॉपिंग करके आए, ये बहुत ही आज जो है ना एक स्पेशल किस्म की थी है। मैं तो इतनी तंग हो गई थी, उधर बच्चों को कहती थी छोड़ो, जब हम गए ना तो कुछ लोगों ने हैर हुई कुछ लोगों ने शॉपिंग की, तो हम अभी अंदर ही गए हैं, लड़ों के सामने जाने दे रहे थे, पैर वालों की लगी थी ऑफ लगा था, तो उधर हम गए, मैंने पहली दफ़ा गई, मैंने कभी नहीं जाती हूँ, अच्छा, कभी ऐसी दुकानों पर नहीं जाती, मैं सीधा सीधा अहमद वालों से खरीदती थी पहले, गोल अहमद वालों से कोई भी है ना, यानी कि गर्मियों का सर्दियों का उससे लेती थी, तो आज हम गए तो कुछ लोग अंदर ही हमें मिले, पहले तो हमने लाइन लगाई, जब अंदर गए तो कुछ लोगों ने शॉपिंग की थी वो उन लोगों ने हमें दे दी, तो हम परेशान हो गए ये क्यों हमें दे रहे हैं, कहते हम इसलिए दे रहे हैं आपको कि इधर जो लाइन है ना शाम को 6 बजे तक लाइन का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने छोड़ दिए, तो हम जो फिर देखना शुरू कर दिए वो भी हमने पकड़ लिए, तो और भी हमने मुझे पानी भी पिलाना बेटा तरह गिलास, तो हमने वो भी पकड़ लिया, और हम और अजवा के कोई मैचिंग करने थी, हम और देखने लग गए, जब देख के हमने काम ख़त्म किया तो यकीन करो हम 2 बजे लाइन पे वो रखा हुआ टाइम के बच्चे को खड़ा किया, कभी नूरे हरम गई थी, कभी वो खड़ी हो रही थी, कभी समरीन, कभी मैं, तो 7 बजे हमारा बिल जो है 7 बजे हुआ, आप यकीन करें, मैंने तो समरीन का मैंने कहा लाना तुम्हारो ऐसे कपड़ों के ऊपर जो इतना टाइम, कभी उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया, हाँ। मेरी तो पांव दर्द होने शुरू हो गया, मैं उधर बैठ गई, फिर जाकदा मुझे इतनी भूख लगी, अच्छा। वो अजमा के लिए जूस मंगाया था, मैंने कहा जल्दी से सोनिया को मैंने बोला कुछ है खाने के लिए, कहती मम्मा जूस पड़ा, मैंने कहा जल्दी से मुझे दे दो, इतनी मेरी जोर कम होगी ना, मैंने गिरने वाली, मुझे यकीन ऐसे हो रहा था कि जैसे अभी मैं गिर जाऊंगी, तो वरना मैं थोड़ा सा वो जूस पिया तो जाके मुझे थोड़ा सा दिल को, तो वो भी एक बूट मैंने लिया, एक मैंने समरीन को दिया, अच्छा। तो इतना अफसोस हुआ है ना ये शॉपिंग का कि बहुत ज़्यादा ही बहुत मेहनत से ये शॉपिंग हुई है, क्योंकि मैं अक्सर ही जो है ना ऐसे करती नहीं हूँ, बिस्मिल्लाह, ये बात ऐसी हुई कि हमने मैंने सोचा था कि ये जल्दी से काम हो जाएगा, जब नहीं कोई बात नहीं, अच्छा ये
लाए हैं। अभी शॉर्ट सा दिखाऊंगी, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों को शो ऑफ ज्यादा नहीं करूंगी। ये जरा थोड़ा सा मैंने अजवा की दिखाने लगी। ये अजवा की मम्मा बैग लाई है अपने लिए। ये इसके साथ छोटा बैग है। ये है ये जैसे वो उन लोगों की प्राइस यानी कि 5000 है तो साथ वो करके उन लोगों ने करके जैसे दिया डिस्काउंट करके दिया। तो ये बकाया हाँ ये ज्यादा जो है ना हमने अजवा की ये की है। अच्छा, ये अजवा की है। उसकी मम्मा कहती है चलो अभी जो आएंगे आएंगे फिर आगे जो है ना वो गर्मियों को भी पहन लेगी। ये ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं ठीक नहीं सही है। अच्छा ये ज्यादा हमने अजवा की शॉपिंग की है। ये जैसे टैग लगे हुए आप देख रहे होंगे ज़्यादा ही हमने अजवा की शॉपिंग की है और थोड़ी दूसरे लोगों की है क्योंकि जिधर भी जाते हैं हमने अजवा के लेने होते हैं। हाँ, गर्मियां सर्दियों की कि हमने ये भी लेना है वो भी लेना है। ये भी जैसे आप देख रहे हैं ये भी अजवा का है। और भी पड़ेगी थी अजवा के बीच में। अच्छा इसमें है इसमें ये होटल आई उसकी मम्मा अजवा का जैसे आप देख रहे हैं। ये अजवा का हाँ ये लाइए हाँ जी ये भी लाइए अजवा का। और ये भी शलवार हाँ ये अजवा की ये भी उसका अजवा का ही है। अच्छा इसके साथ वो मैचिंग करके लाइए। ये भी अजवा का है। इसके साथ पता नहीं कौन सी शर्ट की है उसकी मम्मा ने की है अभी पता चलेगा कौन सा की है। वो भी शर्ट है मम्मा वाइट वाली आपके पास है वो साइड पे आपने रखी है ये वाली ये वो दूसरी पता नहीं किधर है। एक और भी थी वाइट फिर कपड़ों की शायद अंदर ही होगी मेरे ख्याल में। अम्मा को बता सारा जो सामान लेके आई ना। ये अजवा की मम्मा लाई अपनी वो देखो अजवा की मम्मा इसके साथ सूट भी लाई फिर ये वाला ये बांधी अभी देखेंगे है सोनिया रेडीमेड नहीं नहीं वो सिलाई करने वाला है वैसे लिया था पोस्टर दिखा दी वो ही देखते हैं मैंने थोड़ा सा ना वैसे खुद भी देखना है। ये तो आप देख ही रहे हैं ये आप देख रहे हैं मैं जरा देखना चाहती थी कलर। हाँ जी चलो वो बाद में देखेंगे बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। पहले वो लाइट कलर लिया था फिर बाद में डार्क कलर लिया। मैंने कहा ये ना इसके ऊपर ज़रा खूबसूरत लगेगा स्वेटर के ऊपर ना ये फिर हाँ जी इसके ऊपर फिर खूबसूरती ज़रा आ जाएगी इसकी लाइट का। फिर अभी ये बाद में खोल के देखते हैं आप लोगों के साथ फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ये भी अजवा की मम्मा लाई अपनी बहुत प्यारी बनी हुई है फ्रॉक टाइप। ये कुछ मेरे व्यूवर्स कहते रहते हैं पता नहीं अजवा की मम्मा को नहीं लाते। अजवा की मम्मा को मैं सामने व्लॉग में नहीं लाना चाहती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा कुछ हम बताएंगे आपको काम शुरू कर रहे हैं जैसे वो काम करेगी फिर जाहिर कोई ना कोई वो बात करेगी तो इसलिए पहले मैं खुद भी नहीं उसको कहती कि आए। ये अजवा की मम्मा का है हाँ जी ये भी बहुत प्यारा है ऐसे करके। वो कुछ और थी इसके वो मैच करने वाली। ये अजवा की मम्मा जूता लाई अपना ये भी बहुत प्यारा खूबसूरत है जी स्वेटर के साथ भी बड़े हाँ जी ये उसकी मम्मा जी वाओ बहुत खूबसूरत है स्टाइलिश है। ये मैं अपना लाई हूँ उन लोगों ने ये उतारा नहीं है पता नहीं। अच्छा इसकी वो पिनों की आवाज़ आ रही थी ये मैं अपना भी लाई हूँ। ये घर में किसी बच्चे को भी आ जाएगा मैं नाहल को या किसी को भी वैसे बकाया कपड़े ऐसे ही हैं। ये आप देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी हमने कुछ ख़रीदे हैं ये आप देख रहे होंगे। ये भी ऐसे ही डिज़ाइन है ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं फिर करेंगे ये शॉर्ट ही दिखाएंगे। ये है ये जर्सी मैं अपनी लेके आई हूँ ब्लैक कलर की ये ज़्यादा प्यारी है। ऐसे अभी नूरे हरम का भी साथ दिखा देते ये मैं अपनी नवासी घर में जैसे मैं बोल रही हूँ बच्चे आए हैं घर में
वो मेरी नवासी आई है, तो उन बच्चों का लिया है। ये उसका शलारा है जैसे बना हुआ, ये उसके साथ शर्ट है, ये नूरी हरम की है। प्यारा है रिबा? हाँ जी माशाल्लाह प्यारा है। अच्छा जी ये उसकी शर्ट है, मैं कह रही थी पता नहीं वो कपड़ों में उसमें डाल रहे थे ना। ये भी अज्जू मेरी की है शर्ट। फिर ऐसे और भी चीज़ें हैं, वो पता नहीं सिमरन साथ ले गई है, ये भी अज्जू को मम्मा का सूट है, ये भी कलर वो अपना लाई है। ऐसे करके ये आप देख ही रहे होंगे, ये हमारी शॉपिंग है। जैसे मैंने बताया कि हम सुबह 11:30 बजे के गए हैं और तकरीबन 9 बजे वापस जा रहे हैं। इतनी लंबी उधर लाइन लगी थी और तकरीबन 2 बजे से ला के 7 बजे हमारा वो जो है ना बिल हुआ। इतनी देर हम उधर वेट किया और बहुत थकावट भी होगी, तो ये जो शॉपिंग करके आए हैं ये भी बहुत अच्छी अच्छी होगी है। तो ये इसके अंदर ही है बस, रल मिल के लाएँ जो जो किसी के पसंद आएगा। ज़्यादा तो अजवा की शॉपिंग है क्योंकि जब जाते हैं बच्चों के अच्छे रखते हैं ना, तो बच्चों की ज़्यादा लेते हैं। फिर वो कुछ बैंक में लिमिट इतनी थी, फिर वो कुछ जो है ना हमने शॉर्टकट कर लिए, उधर ही नहीं लाए। मैंने कहा चलो सुबह ले लेंगे। इसके साथ मेरे ख्याल काफ़ी व्लॉग हो गए, इसके साथ व्लॉग का भी एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं, तो बात फिर वो बेबो की आ गई। बेबो की गाड़ी वाकई चोरी हो गई है, ये झूठ वाली बात नहीं है, ना तो वो मजाक कर रही है ना झूठ बोल रही है। वाकई उसकी गाड़ी जो चोरी हो गई, इंश्योरेंस भी उसकी 4 साल की थी जब उसने ये किस्तों में निकाली थी। मैंने खुद ही कहा था कि जाओ बैंक वालों के पास, वो बैंक वाले आपका मसला हल करेंगे क्योंकि आपकी इंश्योरेंस हुई होगी। तो उसने यही बताया कि वो 4 साल तक थी जब मैं किस्ता दे रही थी, अभी किस्तों मेरी लास्ट ख़त्म हो गया था, सिर्फ मैंने NOC उन लोगों से लेनी थी, तो गाड़ी जो मेरी चोरी होगी वो ये इस तरह का मजाक नहीं कर रही। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे इंशाल्लाह। अभी कॉल भी करूँगी और नहीं भी होती तो फिर सुबह कॉल करके भी पता करूँगी, उससे पूछूँगी, फिर आप लोगों को जो भी सूरत हाल बताऊँगी। अभी तक कोई गाड़ी का पता नहीं चला, कोई ख़बर नहीं आई, तो अल्लाह करे उसके ऊपर रहम करे, उसकी गाड़ी मिल जाए। तो इसके साथ वो लोग को भी इंशाल्लाह एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।